नमस्कार, मैं गौरी स्वागत करती हूँ आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, जो आज से 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिससे अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, यहाँ मान्यता है कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल दी जाती है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी प्राचीन मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा का कार्यक्रम धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ 175 वर्षों से भी पहले से मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है, जिसके चलते वो बीमार हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में आज के दिन सुबह राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है। जो आज का महत्व क्या है, भगवान को क्या लग जाता है, कितने दिन के लिए गर्भगृह में हो जाता है? पन्ना में ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। इस मंदिर, ये अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आज स्नान यात्रा का कार्यक्रम है। यहाँ पर आज भगवान बाहर आएंगे गर्भगृह से और भक्तों को दर्शन देंगे। स्नान होगा उनका जल से के द्वारा, और एक घट लुटने की परंपरा है, जिसमें छोटा सा घड़ा होता है, उसमें जल होता है प्रभु का, और उसके बाद में भगवान अंदर जाते हैं। उस समय उन्हें लू लग जाती है और भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर बंद के कपाट बंद रहेंगे। 15 दिन पश्चात वह स्वस्थ होंगे, तब उनको प्रसादी होगी और वह उन्हें भोग चढ़ेगा, जिसमें दाल चावल कड़ी भात बड़ा ये सभी चीज़ें रहेंगी। उसके पश्चात में अगले दिन 7 तारीख को रथ यात्रा का कार्यक्रम है। रथ यात्रा में भगवान पन्ना से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहले दिन पुरुषोत्तमपुर में रुकेंगे। पहला विश्राम, दूसरा उनका विश्राम लखूरन में होगा, तीसरा जनकपुर में होगा, और उसी दिन भगवान का टीका होगा। टीका के पश्चात भगवान मंदिर के अंदर जनकपुर में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर विराजमान होंगे, और उसके विराजमान होने के ही अगले दिन माता महालक्ष्मी इसी परिसर से एक सवारी के रूप में जाती हैं और भगवान को वापस मंदिर आने के लिए आग्रह करेंगी, और उसके पश्चात में भगवान की रथ यात्रा वापसी के रूप में होगी। और 3 दिन तक लगातार, जिस प्रकार से 3 दिन जाने में उन्हें समय लगता है, ठीक उसी प्रकार से 2 दिन वापसी का समय लगता है। बताया है कि भगवान स्नान करने के बाद लू लग जाती है, लू लगने के बाद कितने उनकी के साथ कैसे उनकी इस 15 दिन के दौरान भगवान को औषधियों को दिया जाता है। साथ ही साथ उनके जो एक बीमार व्यक्ति के लिए जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जिस प्रकार से उन्हें रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे फल हैं उनका और जो ड्राई फूड है उनका उनको प्रसाद लगता है, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से औषधियाँ बनाई जाती थी पूर्व के समय में, वैद्य बनाया करते थे, उसी परंपरा के अनुसार भगवान का 15 दिन तक इलाज चलता है। कितनी पुरानी परंपरा है और कब से चली आ रही है? पन्ना का यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना है, और लंबे समय से इस पुराने प्राचीन मंदिर में यह परंपरा है, और इस परंपरा में पन्ना नगर के लोग हमेशा सहभागिता निभाते हैं। और पहले ये परंपरा बुंदेलखंड की सबसे बड़ी रथ यात्रा हुआ करती थी, अब तो बुंदेलखंड में कई जगह पर निकलने लगी हैं, परंतु यह सबसे प्राचीन रथ यात्रा है। और देश के अंदर जो प्राचीन रथ यात्राओं में गुजरात अहमदाबाद और पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की, ये उसी समय की परंपराएँ हैं। जगन्नाथपुरी में जैसे रथ यात्रा निकलती है, ऐसी पूरे भारत में दूसरी परंपरा यहाँ पर निश्चित तौर पर जो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की परंपरा पुरी में निकलती है, उसी परंपरा के अनुसार उसका पालन करते हुए पन्ना में भी यह रथ यात्रा निकलती है, और उसी राजशाही के साथ में, उसी गाजे बाजे के साथ में भगवान की यह रथ यात्रा निकलती है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड के लोग, मध्य प्रदेश के लोग और देश के विभिन्न राज्यों के लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। जैसे वहाँ पर एक गया था, ऐसी परंपरा यहाँ चली गई, राजा को सपना आया और फिर यहाँ परंपरा बंद करनी पड़ी।
देखिए यहाँ की जो परंपराएं हैं ये राजशाही समय से चली आ रही हैं, और इन परंपराओं में जो परंपरा चली आ रही थी वो आज भी चल रही है, और यहाँ के लोगों का सहयोग भी रहता है, प्रशासन का सहयोग रहता है, तो ये परंपराएं अभी आगे भी चलती रहेंगी। आशीष तिवारी। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 36 वर्ष बाद पन्ना में भी आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। बीते 175 वर्षों से रथ यात्रा निकालने का सिलसिला यहाँ अनवरत चला आ रहा है। रथ यात्रा में हजारों की भीड़ के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट की सवारी निकलती है। यहाँ पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। ये जगन्नाथ स्वामी मंदिर है और यहाँ से आज स्नान यात्रा जा रही है। जो अभी भगवान है वो, उनको आज लू लगेगी और अब 15 दिन तक मंदिर बंद रहेगा, जिसके बाद रथ यात्रा शुरू होगी 7 तारीख को। आज भगवान के दर्शन में कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा, क्योंकि हमने सालों से देखा नहीं है, तो अब मतलब बहुत साल हो गए मैं देखे हुए। ऐसी भी परंपरा है कि आज हजार छिद्रों वाले घड़े से भगवान जी के स्नान किए जाते हैं। हाँ, स्नान किए जाते हैं, फिर वो घड़े का पानी प्रसाद में लोगों को भी बटता है, मतलब जैसे कि आपने देखा आज जैसे फेंकते हैं और फिर लोग पकड़ते हैं उसको, तो ये आज ये स्नान यात्रा है, तो यही होता है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप भगवान बीमार हो जाएंगे तो फिर 15 दिन तक दर्शन नहीं मिलेंगे, तो उसमें आप लोग भगवान के लिए क्या वो करते हैं? भगवान के लिए जैसे अभी है उस अमावस्या को प्रसाद चढ़ेगा, उनको मूंग के दाल का पानी पिएंगे वो, और हलवा चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ेगा, और मतलब पर वो पर्दे में ही रहेंगे अब रथ यात्रा के दिन तक, तब पर्दा हटेगा। और हमारा नाम मेधावी है, बड़ी राजा। ईसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जी, स्वामी भले बिराजे जी, ओड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जी, त्रेता छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, कलयुग में तुम जाए बिराजे वृंदावन के बा, ठाकुर भले बिराजे जी, ओड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले बिराजे जी। पन्ना क्या आज भगवान क्या होगा? ये पन्ना का जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ पर रथ यात्रा आज श्री भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाएगा, उनका अभिषेक 108 छिद्र के घड़े से कराया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उनको लू लग जाती है, लू लग जाने के बाद उनका बता कहते हैं 15 दिन तक पट बंद रहते हैं, उसके बाद उनको बता प्रतिदिन यहाँ पर उनको औषधि के रूप में काढ़े वगैरह दिए जाते हैं, फिर उनको उनका अमावस्या के दिन यहाँ पे पथ का बता क्या कहते वो वितर पथ पर चढ़ाया जाता है, और परमा के दिन यहाँ पे धूप कपूर की झांकी के दर्शन कराए जाते हैं, और दोज के दिन यहाँ पे भगवान स्वामी जगन्नाथ जी का रथ निकाला जाता है। वो यहाँ से कितनी पुरानी प्राचीन परंपरा? करीब 175 वर्ष पुरानी तो हो ही चुकी है। पूरी की तर्ज में यहाँ पर ही पूरी की तर्ज पे मनाया जाता है, जैसे वहाँ पे जो कार्यक्रम वहाँ चलते रहते हैं। ये 10 दिन का महोत्सव होता है हमारे यहाँ का, यहाँ से दो के दिन निकाली जाती है, फिर एक दिन बतंगा कहते हैं भगवान बतंगा के लकूरा में देते हैं, फिर पुरुषोत्तमपुर पहुँचते हैं, पुरुषोत्तम पर चौथे दिन जगन्नाथ स्वामी के जनकपुर के मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ पर इनका बतंगा कहते हैं भगवान का इलाज भी वैदिक मंत्रों और आयुर्वेद तरीके से किया जाता है। हाँ, भगवान का इलाज भी उनका वैदिक मंत्रों आयुर्वेद के द्वारा किया। राजमती केशरवानी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो एक तरफ जहां वाकई गर्मी और लू लगने से इंसानों का जीना दुश्वार हो चुका है, लेकिन वहीं भगवान को भी लू लगना वाकई हैरान कर देने वाला है। हालांकि पन्ना ये प्रथा के रूप में प्रचलित है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।